नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मार्स थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो असेंडेंट, मार्स इन थर्ड हाउस इन स्कॉर्पियो असेंडेंट। मार्स इन थर्ड हाउस एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि मार्स थर्ड हाउस में तो क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐड करती हैं। मगर मैं हमेशा से कहता हूँ कि जैसे जैसे असेंडेंट चेंज होता है उसके रिजल्ट चेंज होते हैं। इसमें अगर हम और आगे जाएँ तो जैसे जैसे नक्षत्र चेंज होता है तब भी रिजल्ट चेंज होते हैं, जैसे जैसे सब लॉर्ड चेंज होता है वैसे वैसे भी रिजल्ट्स चेंज होते हैं। तो रिजल्ट्स कीप्स ऑन चेंजिंग, वरना सब मार्स इन थर्ड हाउस स्कॉर्पियो असेंडेंट का एक जैसा रिजल्ट होगा। मगर हम बात करेंगे कुछ बेसिक रिजल्ट्स की, बेसिक क्या चैलेंजेस हैं या बेसिक में क्या लाइफ के अंदर चीजें आ सकती हैं, वो मैं उस बारे में आपको इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कॉमन बेसिक कुछ चीजें हैं जो मार्स की दशा के अंदर आपको आके अफेक्ट डालेंगे। पूरी कुंडली की तो नहीं आ सकती, क्योंकि पूरी कुंडली तो सबकी अलग होती है। जैसे सबकी कुंडली अलग होती है, सबकी हस्तरेखाएं अलग होती हैं, वैसे सबकी लाइफ के चैलेंजेस अलग होते हैं। मगर किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं थोड़े बहुत, उस बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्स इन थर्ड हाउस फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब हम जानते हैं कि थर्ड हाउस के अंदर कौन सा साइन आया, थर्ड हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन। ये हम सब जानते हैं कि जो मार्स है ये एग्जॉल्टेड होता है, मतलब हम कहते हैं जिसे हम दूसरे वर्ड में उच्च का मार्स होता है वो दसवें हाउस में। अब उच्च का रिजल्ट क्या होता है ये कहीं आपको नहीं होगा, सब कहेंगे सबके रिजल्ट्स अलग अलग बताए जाएंगे, कुछ मैच करेंगे कुछ नहीं मैच करेंगे। हम वो बात करते हैं, थोड़ी बात करेंगे मगर उतनी करेंगे कि जितनी मैच होने के चांसेस बढ़ जाए। साथ में इसके अंदर हम दो क्वेश्चंस और लेंगे, जो दो सवाल मेरे कमेंट सेक्शन में आए, क्या मार्स थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड होता है और क्या मार्स स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए बेनिफिशियल कब होता है, उस बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्स एग्जॉल्टेड हो गया, अब मार्स आ गया थर्ड हाउस के अंदर। हमने सबसे पहले देखना है कि थर्ड हाउस का मार्स, देखिए थर्ड हाउस कहा ही मार्स के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि थर्ड हाउस परिश्रम का हाउस होता है, कि हम जो एफर्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, जो हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स अफेक्ट, मतलब जो हम करेज इज द राइट वर्ड, करेज कम्युनिकेशन, वो हमारे थर्ड हाउस से देखा है। तो थर्ड हाउस एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है, तो इसके अंदर एक ऐसा प्लेनेट जो एक्टिव रहे हमेशा, जो हमेशा स्टेप्स लेने में आगे रहे, मतलब हमेशा अलर्ट रहे, मार्स के लिए अलर्टनेस की जाती है, अटेंशन जिसे कहते हैं ना, तो अलर्ट वाला जो प्लेनेट है वो मार्स है। अब अलर्ट वाला प्लेनेट मार्स है तो इसीलिए ज़्यादातर कहा गया कि थर्ड हाउस मार्स के लिए ही बना हुआ है। अब यहाँ थर्ड हाउस में ही है और प्लस ये है कि एग्जॉल्टेड भी है, तो ये बेनिफिट्स क्या है, ये बेनिफिट्स ये देगा कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट हाउस का और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है और ये आके बैठा है थर्ड हाउस के अंदर, तो ये फर्स्ट हाउस के भी रिजल्ट्स देगा, सिक्स्थ हाउस के भी देगा और थर्ड हाउस के भी देगा। इसका ये मतलब है ये एक ऐसा कनेक्शन बनेगा कि ये आदमी जो होगा ये किसी के साथ काम करना नहीं, अकेले काम में सक्सेसफुल होगा। जैसे खुद काम करता है अपने हाथों से या अपने आप जो भी काम करता है इसमें खुद से रिलेटेड काम करता है, जैसे किसी के अंडर जॉब नहीं, मतलब बेसिक स्क्रैच से कैसे आगे बढ़ते हैं वो इस आदमी को पता है। हो सकता है बाकी प्लैनेट्स में ऐसे कॉम्बिनेशंस ना हो या हाउसेस ना कनेक्ट हो, मगर अगर क्योंकि ये सारे कनेक्शंस जो होते हैं ना खिचड़ी की तरह होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, तो अगर बाकी के प्लैनेट्स नहीं ये बता रहे फिर ये क्या करेगा, ये जो मार्स की दशा आएगी उस मार्स की दशा के अंदर आपको इसके अंदर अलग चेंजेस नजर आएंगे। ये अपने पैरों पर खुद उठना शुरू करेगा, बड़ी दशा होगी तो ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, अगर छोटे पीरियड के लिए आएंगी छोटी अंतर दशाएं आएंगी तो इतना इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा, मगर अगर मेजर पीरियड आता है जैसे इसकी जो महादशा आती है तो फिर आपको इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। खुद परिश्रम करना है इसने, खुद मेहनत करनी है और खुद मेहनत करके आगे बढ़ने के बारे में सोचना है कि मुझे आगे कैसे करना है इस काम को, अपनी लाइफ को आगे कैसे छोटी लेवल से अच्छे लेवल पर लेके जाना, तो आपको वो उसके अंदर परिश्रम दिखेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, किसी को भी समझाना चाहे कुछ बताना चाहे तो ये बड़े अच्छी तरह अपनी बात को क्लियर कर पाएगा। देखिए स्कॉर्पियो साइन की खास बात क्या होती है कि स्कॉर्पियो साइन कोशिश करता है कि सामने से नहीं कुछ बताता, ये इसकी आदत होती है कि ये क्या करता है, अगर इसने कुछ मैसेज देना है किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो ये ज़्यादातर या तो टेक्स्ट करेगा या लिख कर देगा, कोशिश करेगा कि मैं सामने से नहीं या किसी और को बोल के काम करवाना कि यार तू ये मेरा काम करवा दो मेरा वो काम करवा दो, तो इस तरह का कुछ एक नेचर बिल्डअप होता है। तो मार्स से इनको पावर मिलेगी, ताकत मिलेगी, नेगेटिव वे में भी जा सकता है ये। नेगेटिव वे में कैसे जाएगा कि देखिए अब एक नक्षत्र है, अगर ये बुध के नक्षत्र में आता है, तो अगर ये बुध के नक्षत्र में आता है तो म्यूचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब
सोच के ऊपर फर्क है कि पॉजिटिव कैसे और नेगेटिव कैसे। पॉजिटिव रिजल्ट्स कैसे होंगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर ये क्या होगा कि अगर इसका कोई काम है जो ऑटो पायलट पे चल रहा है, जैसे हमारे कई बिजनेस होते हैं, कोई काम होते हैं जिसके अंदर हम खुद कम जाते हैं और मतलब हमने एक सेट किया, हमने काम के अंदर मेहनत करी, उसके बाद हम दूसरे काम में लग गए और वो काम, वो सेटअप हमारा सेट है और उसमें से इनकम रेगुलर आ रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि मान लो इसने कुछ काम ऐसा करके डाल दिया है और उसके अंदर से रेगुलर इनकम आ रही है कि मतलब इस ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसके लिए अच्छा है। नुकसान किसके लिए है कि जहाँ भी इसने घर वालों का पैसा लिया, मतलब अगर इसने पेरेंट सपोर्ट का पैसा, फ्रेंड्स जोन से पैसा, फ्रेंड जोन, बड़े भाई से, पेरेंट्स से, ससुराल से, जहाँ से भी ये इसने यहाँ से इन्वेस्टमेंट ली और किसी बिजनेस में लगाई, तो उसमें डूबने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वो पैसा खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इस पर्टिकुलरली जो कर रहा है जातक जिसकी कुंडली में, उसको फायदा होगा मगर वो पैसा डूब जाएगा। अब ये कैसे होगा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है बात करने वाला, मगर बेसिकली ये है कि मैं कहना चाहूँगा जैसे उसने ससुराल से कुछ पैसा लिया और कहीं इन्वेस्टमेंट डाली, वो इन्वेस्टमेंट डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर अगर कोई वो ऐसा काम कर रहा है और उसने मेहनत से स्टैंड किया है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्यों है, मैंने बताया कि किसी का पैसा लगा के काम किया वो डूब गया, मगर अपनी मेहनत करके अगर ये आगे बढ़ा है तो उसमें सक्सीड और सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मरकरी के नक्षत्र में आते ही सेम मार्स थर्ड हाउस में रहा, मगर जैसे ही वो मरकरी के नक्षत्र के अंदर आया तो रिजल्ट्स के अंदर चेंजेस आ गए। मगर रिजल्ट्स ये बहुत अफेक्टिवली देता है। थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड साइन है तो बंदा मेहनत बहुत करता है। नक्षत्र बस देखना चाहिए कि नक्षत्र ठीक आए या नहीं। अब जैसे बुध के नक्षत्र उसके जुपिटर के नक्षत्र में आता है, जुपिटर के नक्षत्र में आता है तो थोड़ी ब्रेकअप से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, लव लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, प्यार किसी को करेगा जब तक उसको कहने की कोशिश करेगा तब तक वो प्यार उसका चला जाएगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको, और जैसे जैसे मैं नक्षत्र बताऊंगा तो उसके अंदर बदलते जाएंगे। तो इसके लिए मेरे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आजकल तो मैं शॉर्ट आंसर्स के भी जवाब दे ही रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ वो दो क्वेश्चंस की जो मेरे कमेंट सेक्शन में इसी से रिलेटेड आए थे। पहला, इज मार्स बेनिफिट फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट, कि क्या मार्स स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए बेनिफिट है? हाँ है, अगर मार्स की प्लेसमेंट 11th हाउस के अंदर हो, अगर मार्स की प्लेसमेंट 11th हाउस के अंदर होती है तो, क्योंकि 11th हाउस के साथ आते ही इसका जो परिश्रम है उसका फल इसको एक्स्ट्रा मिलेगा। जिस भी चीज़ में कर रहा है, चाहे ये जेलेसी में कर रहा है, चाहे ये फाइट में कर रहा है, चाहे ये मेहनत में कर रहा है, किसी भी चीज़ में प्रोफेशन के अंदर ये आगे जा रहा है, तो इसको प्रोफेशन के अंदर रिजल्ट्स जो होंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे, अवार्डेड मिलेंगे, मतलब ग्रुप के अंदर अवार्ड्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब ग्रोथ लेवल ज़्यादा अच्छा हो जाता है अगर 11th हाउस के अंदर मार्स की प्लेसमेंट। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए ये कब बेनिफिट है? अगर 11th हाउस में मार्स प्लेस होता है तो, एक चीज। दूसरा क्वेश्चन है, इज मार्स एग्जॉल्टेड इन थर्ड हाउस? नहीं, मार्स एग्जॉल्टेड इन थर्ड हाउस इन द केस ऑफ स्कॉर्पियो असेंडेंट, यस। स्कॉर्पियो असेंडेंट के केस में मार्स थर्ड हाउस में एग्जॉल्टेड है, सही है। मगर बाकी असेंडेंट के अंदर मार्स थर्ड हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड है? नो, क्योंकि जहां जहां स्कॉर्पियो साइन आएगा वहां अगर मार्स की प्लेसमेंट तो एक्सॉल्टेड है, अगर वहां नहीं आ रहा तो नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर ये असेंडेंट चेंज होता है, मान लीजिए ये स्कॉर्पियो से पहले वर्गो असेंडेंट आ गया, तो ये जो 10वीं राशि है ये कहां पे आई? अभी 10वीं राशि कौन सी राशि? थर्ड में आ रही है। यहीं ये वर्गो आएगा तो 10वीं राशि 5th हाउस के अंदर आ जाएगी। अब 5th हाउस के अंदर आ जाएगी तो फिर कैसे थर्ड हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड हो गया? तो आप मेरी बात समझिएगा कि ये साइन में एग्जॉल्टेड होता है, हाउस में एग्जॉल्टेड नहीं होता। चांस की बात है कि वो जो साइन है आपके किस हाउस में पड़ रहा है, तो बात अलग है, वो साइन किस हाउस में पड़ रहा है। मगर अगर वो साइन उस हाउस में नहीं पड़ रहा, जिस हाउस में वो साइन पड़ रहा है, तो वो एग्जॉल्टेड है। आई थिंक जो आपने सवाल पूछा है मैंने उसका जवाब दे दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।